उपस्थित हूँ पटना वुमेन्स कॉलेज के पास। यहाँ पर कई कॉलेजों में गया हूँ, अभी उतनी भीड़ नहीं नजर आई, पर यहाँ पे अच्छा खासा एकदम अच्छा तादाद में लोग दिख रहे हैं, गाना बजाना के साथ पूरे युवा जोश में लग रहे हैं, पूरे जोशो खरोश में लग रहे हैं। ये देखिए बजाने वाले भाई साहब भी आ गए हैं। और भी कई बातें हैं जो पटना विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है, पटना विश्वविद्यालय की बातें हैं। बहुत सालों बाद 20-30 सालों बाद यहाँ पर चुनाव शुरू हुआ, पिछले 2 वर्षों से चुनाव हो रहा है, इस बार क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? देखिए पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव होना बहुत ही जरूरी है और हो भी रहा है, पिछले साल भी हुआ था और इससे पहले 12 में हुआ था। और माहौल ये कि छात्र संघ का चुनाव है, सब लोग सबरे संगठन के लोग नॉमिनेशन कर दिए, उन लोग का बैलेट भी मिल गया और 7 तारीख को वोटिंग है। तो क्या आपकी पार्टी का मकसद क्या रहेगा, क्या सुधार की बातें आप उठा पाइएगा? देखिए इससे पहले पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हुआ था जिसमें दोनों बीजेपी और छात्र जदयू दोनों ने सरकारी संगठन जीते हुए थे, लेकिन पटना विश्वविद्यालय की जो भी समस्या थी तस के मस रह गए, कोई समस्या दूर नहीं। टक्कर में कौन है इस बार चुनाव? इस बार चुनाव में एबीपी और छात्र जेसीपी और एआईएसएफ गठबंधन, जन अधिकार छात्र परिषद और एआईएसएफ जो हम लोग संयुक्त, मतलब इस बार जदयू आउट होते नजर आ रहा है क्या? जदयू आउट है, जदयू आउट है, जदयू आरजेडी आउट है, जदयू इस बार आउट है। किसकी? पिछले बार आप देखिएगा छात्र छात्राओं ने बीजेपी और जदयू को वोट किया था, बीजेपी जदयू के प्रेसिडेंट जीते हुए थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसीलिए पूरे एबीवीपी और जदयू पटना कोई बताएंगे कॉलेज में कैसा माहौल चल रहा है, पढ़ाई लिखाई और सभी चीज का? कॉलेज में कॉलेज के माहौल की बात करें तो देख लीजिए रसूखदार लोग हैं, अपने रसूखदारी से कॉलेज की छात्राओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर कॉलेज में सरकारी तंत्र के माध्यम से एक अपने छात्र संगठन के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे तरीका ले तंत्र। और दूसरी जो बात करते हैं, जब संघर्ष की बात आती है, और पटना यूनिवर्सिटी के और कॉलेजों में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, कॉलेज प्रोफेसर आ रहे हैं एग्जाम के माहौल में, जब आप चुनाव कराइएगा तो ऑब्वियसली बात है जो सेंसिटिव नहीं है वो केवल और केवल एग्जाम देने के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो 16 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। अभी कॉलेज में फ्लो स्टूडेंट का बहुत ही कम है क्योंकि 16 से सबका एग्जाम है, तो अभी स्टूडेंट का फ्लो नहीं है, 7 तारीख को वोट। झकास भारत से मैं रविकांत, अभी पटना साइंस कॉलेज में हूँ, चुनावी सरगर्मियाँ इतने तेज हो गई है, ये कैंडिडेट मिले हैं आरजेडी के उपाध्यक्ष से लड़ रहे हैं, तो क्या चुनौतियाँ हैं इस बार यहाँ? चुनौतियाँ तो हैं, इससे सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना शांतिपूर्ण चुनाव आप लोग कर रहे हैं, और आगे भी आगाह निवेदन करूँगा कि जो चुनाव 7 तारीख को होने वाला है उसके लिए आप लोग प्लीज़ अच्छे से सुरक्षा दें ताकि कैंडिडेट्स और पूरे स्टूडेंट्स पूरे पटना यूनिवर्सिटी में अच्छे से एक चुनाव को फेस्टिवल की तरह एंजॉय करें। आप अच्छा तो कैंडिडेट हैं तो शांति से, आप लोग क्या यहाँ शांति है? यहाँ तो अभी शांति नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि कुछ कुछ छिटपुट सी घटनाएं हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन ऐसे भी जहाँ छात्र वहाँ हुड़दंग ना होगा तो क्या होगा, ये भी तो है। हुड़दंग तो नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ बर्तन रहता है वहाँ खटखटाहट होता ही है, वो सब लगी चिंता नहीं। आपसी द्वेष ना बने, चुनाव के बाद मिलेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, बतियाएंगे, ये होना चाहिए ना, उस समय कुछ और हो जाता है। सही बात है। और आपके आपके अध्यक्ष पद के लिए जो खड़ा हुए हैं सारे पैनल सेंटर पैनल खड़ा हुए हैं एकदम, चार एक दो बागी भी हुए हैं कोई? हाँ वो सब होते रहा है, लेकिन चार मुख्य रूप से कैंडिडेट्स हैं हम लोगों के। पार्टी से समर्थन मिल रहा है ऊपर से आला कमान से? एकदम एकदम सब कुछ टाइट है एकदम। तो क्या आप आरजेडी का क्या मैनिफेस्टो क्या है कि हवा में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि पूरा पटना यूनिवर्सिटी में लालूवादी हवा चल रही है? लालूवादी तो हवा है, बिहार में होते हैं कैंपस में, तो पूरे पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव पर कैंपेन का भी बहुत ये स्टैंडर्ड हो गया, देख सकते हैं सब जगह पोस्टर्स टंगे हुए हैं, डीयू जेएनयू के तरह पटना यूनिवर्सिटी भी अपडेटेड हो चुका है, चाहे वो चुनाव हो चाहे वो और भी किसी चीज में। लेकिन लालूवादी से ध्यान आया कि कई कैंडिडेट अब वो कह रहे थे कि हम लालू जी का समर्थक हैं, मगर दूसरे चीज का है, निर्दलीय भी खड़ा हो गया है, वो भी तो फायदा ले जाएगा लालू का? फायदा ले जाएगा, ठीक है, बात सही है, फायदा ले जाएगा घाटा ले जाएगा। अच्छा टक्कर किस में है? टक्कर किस में है? टक्कर तो पीछे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई आरजेडी जीतता एकदम, आरजेडी क्लीन स्वीप कर रही है। मेरा समस्या ये है कि हम जिससे भी मिलते हैं ना वो कहता है कि हम ही जीतेंगे। आप 7 तारीख को देखिए, स्टूडेंट्स को जाइए, ग्राउंड पे जाइए, लालू जी की तरह सोचिए भी आप। आप लोग कौन मुद्दा उठाए हैं, 2-4 को गिनवा दीजिए, कौन मुद्दा उठाए हैं? मुद्दे से तो हम लोग पहले से जूझ रहे हैं, पिछला पुराना मुद्दा देख लेते हैं तो एक को मुद्दा है कि जो नया नहीं सब मैंने पुरनके है, पुरनका के बाद फिर और बढ़ा है। अच्छा और बढ़ा है, जहाँ शिक्षा थोड़ा सा ठीक था फिर और खत्म होते जा रहा है। पिछले बार छात्र संघ बना, उसके बाद शिक्षकों की बहाली हुई नहीं हुई, सुरक्षा में कोई कुछ आप, 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 आप क्या चीज में अभी पढ़ाई कर रहे हैं?
बीएससी फर्स्ट ईयर स्टेट। क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक लगता है, क्लास उलास? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग का जो डिपार्टमेंट है स्टेटिस्टिक, उसका यूजी डिपार्टमेंट यहाँ नहीं है। अच्छा। जो भी काम होता है यूजी डिपार्टमेंट का, वो पीजी डिपार्टमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। तो और जो भी है यूजी डिपार्टमेंट में, जो भी शिक्षक आ रहे हैं हम लोग का डिपार्टमेंट में, वो लोग पीजी के हैं, वो लोग रिक्वेस्टेड टीचर हैं। और जो भी हैं जो गेस्ट के रूप में आके हम लोग को पढ़ाया जा रहा है, यहाँ परमानेंट शिक्षकों का बहुत भारी कमी है, बहुत भारी कमी है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है चुनाव में इस बार? पक्ष विपक्ष पूछ रहे हैं, जीत हार की बात? हाँ, जीत हार, टक्कर किस में हो रहा है, क्या? जोर जुलुम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और कोई नहीं टक्कर। आप निर्दलीय से हैं का? निर्दलीय हैं, देख रहे हैं। कौन पहन रहे हैं? कौन है? निशांत कुमार उपाध्यक्ष है। अच्छा। अब बाकी आरजेडी पूरा क्लीन स्वीप करने जा रहा है पूरा सीट पे। आप नामांकन के दिन देखे होंगे कि क्या स्थिति कर दिए थे हम विपक्ष को। नामांकन तो मारपीट भी हुआ था। मारपीट तो हम लोग मारपीट करने वाले हैं? हम लोग इंसानियत की रोटी खाते हैं, इंसानियत से चुनाव लड़ते हैं। मारपीट तो गुंडों की पार्टी करती है, हम मारपीट नहीं की आरजेडी को अपने मारपीट में ज़्यादा सुनते हैं। अभी वर्तमान स्थिति में जो है ना, पटना विश्वविद्यालय में छात्र राजद मारपीट नहीं करता है, छात्र राजद मारपीट नहीं करता नहीं है, करता है। ये समर्थक हैं आरजेडी के, और उपाध्याय जी से अभी बात किए तो उन्होंने अपनी पूरी जीतने की दावेदारी की है। अब देखते हैं 7 तारीख की रात को, ये रात्रि में पता चलेगा। और छिटपिट घटनाएं पटना, बाकी सब शांति लग रहा है यहाँ पे कैंपस में। छात्र पढ़ने आते हैं, पढ़ने की बातें उठनी चाहिए और खेल कूद की भी बातें होनी चाहिए। तो पटना विश्वविद्यालय में क्या सरगर्मियाँ रहने वाली है इस बार चुनाव में? अभी तो एक ही नाम नजर आ रहा है, मनीष कुमार। तो आप उनके समर्थक हैं तो वो आप बोलेंगे ही? नहीं, उनके समर्थक और कोई एबीवीपी जदयू एआईएसएफ सब? इस बार तो जेडीयू तो खैर आउट हो गया है, वो कहीं दिख नहीं रहा है। जेडीयू आउट हो गया? हाँ, जेडीयू आउट ही है। और मनीष कुमार प्रेसिडेंट के लिए कोई शायद ही नहीं, कोई टक्कर में यहाँ पे, हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि वो पिछले 5 साल से पटना विश्वविद्यालय के लिए करते हैं। और निस्वार्थ कुमार जी क्या अच्छा काम किए हैं, बता सकते हैं? देखिए, आप इससे पहले देखिएगा, पटना विश्वविद्यालय में पहले कैंटीन कहीं नहीं था, आपको पता होना चाहिए। कैंटीन वाला, कैंटीन आप लगवा दिए? नहीं, हम लोग लड़ाई लड़े उसके लिए, उसके लिए हम लोगों ने वीसी के सामने लाठी खाई, जेल तक भी गए, आंदोलन किए, धरना किए कि पटना विश्वविद्यालय में छात्र एवं छात्राएं हॉस्टल से घर से पढ़ने के लिए, सुनिए ना पढ़ने के लिए आते हैं, उनको खाने के लिए चाहिए, तो पहले साइंस कॉलेज में खुला, आज देखिए पटना कॉलेज में है, दरभंगा उसमें हर जगह कैंटीन खुल गया। स्पोर्ट्स का यहाँ क्या हालात है? स्पोर्ट्स की हालात बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आज देख लीजिए पटना विश्वविद्यालय में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत टैलेंट है उनके पास, चाहे क्रिकेट। चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। कई छात्र नेता चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, वो अपना चेहरा चमकाने के लिए लड़ते हैं, ज्यादातर छात्र नेता, क्या आप उसी तरह से? नहीं नहीं, हम तो इससे पहले चुनाव लड़े थे, हार गए थे। ज्वाइंट सेक्रेटरी में मेरा नाम शौकत अली है, बहुत ओपोजिशन पर रहा हूँ, इलेक्टेड हमें ओपोजिशन में हूँ ज्वाइंट सेक्रेटरी पे, लेकिन उससे पहले पूछ लीजिएगा, हमेशा संघर्ष किए स्पोर्ट के लिए, हमने वनिजिया महाविद्यालय में। गठबंधन फिर काय कर लिए, जीतेला चुनाव? नहीं, जीतने के लिए नहीं, सामाजिक न्याय, न्याय जो हम लोग की मजबूती है, संघर्षशील छात्र संगठन है, प्रगतिशील छात्र संगठन है, एबीपी को और भाजपा जदयू को सरकारी संगठन को दूर करने के लिए हम लोग गठबंधन किया है। क्लास यहाँ हो रहा है कंटिन्यू? क्लास कंटिन्यू देखिए हो रहा है, लेकिन हमारे प्रोफेसर साहब आते हैं क्लास कराने। प्रोफेसर लोग देखिए बहुत कम है जो कि परमानेंट है। गेस्ट टीचर हैं, सुने गेस्ट टीचर, बहुत सारे गेस्ट टीचर हैं। आप कभी ग्राउंड फील्ड पे जाइए, अभी आप बोले अभी कि आप लोग गठबंधन करके जीतने के लिए आए हैं, तो हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि जब दो चोर मिल के सरकार बना सकता है, तो क्या दो ईमानदार सामाजिक काम करने के लिए आगे नहीं आ सकता है? हम लोग जो है AISF के साथ और JSP के साथ गठबंधन हुआ है, ये पप्पू कन्हैया की विचारधारा है, और हम लोग उसी विचारधारा को पकड़ने वाले व्यक्ति हैं। अच्छा, मतलब पप्पू यादव और कन्हैया जी का गठबंधन हो गया है? हाँ, यही ना मेन कहने का मतलब। समझिए कि सामाजिक न्याय और हमारे सबसे जरूरी बात कि छात्र हित के लिए पप्पू यादव और कन्हैया कुमार ने जिस तरह से JNU कैंपस हो, चाहे गरीब गुरबा का बच्चा हो, पप्पू यादव की पार्टी से हमारे मनीष कुमार जो है प्रेसिडेंट पर बैलेट नंबर 4 पे खड़े हैं, हम लोग उनके सपोर्ट में पूरे निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग किसी समर्थक नहीं है सर, हम लोग है कि जिसके साथ निष्ठा हो गई उसके साथ पूरा। 7 तारीख के चुनाव में आपकी जीतने का पूरा दावा सर? एक बात बता रहे हैं आपसे कि दूर दूर तक नजर हम लोग गड़ाए हुए हैं कि कोई सामने दिख पड़े, सामने कोई दिखाई नहीं पड़ता है। चलिए, इन लोगों का कॉन्फिडेंस देखकर अच्छा लगा कि इन लोगों ने अपनी जीतने की दावा की। हम जितने भी लोगों से मिले, सभी ने जीतने की दावा किया, चाहे वो आरजेडी को। 7 तारीख को हमसे मिलिएगा, बात वाले आदमी नहीं है। 7 तारीख को जब हम तब मिलिएगा, आपके साथ हम लोग रहेंगे 24 घंटे रहेंगे। हाँ। आप आइएगा 7 तारीख को। हाँ। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते ठीक हैं। ठीक है, उस दिन आपको दिखा इन लोगों को ऐसे ही कॉन्फिडेंस हमने हर पार्टियों में देखी है, प्रत्येक पार्टियों में देखी है,
पर हर पार्टी अपनी अपनी चुनाव लड़ रही है, सभी को अपनी अपनी जगह से अपनी अपनी बात कहने का हक है। अभी के फिलहाल इतना ही। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।